बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजमेर में हादसे का शिकार साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई है। हादसे के बाद साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हादसे के चलते रूट पर रेल सेवा प्रभावित है, 6 ट्रेन को रद्द किया गया है, 2 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। सवाल ये कि आखिर ये स्थिति कैसे बनी, ये तस्वीर आपके सामने। राजस्थान के अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन पर ये हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घटना के समय पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। हादसे के बाद रेलवे के पीआरओ शशि किरण ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, सुनाते आपको। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं, कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को उनको तुरंत ही जिन पास के अस्पताल में ले गया गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है, राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है, और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। आशुतोष शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। आशुतोष, इस पूरे हादसे की वजह क्या रही, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है, कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, हादसे की जो मुख्य वजह क्या रही है उसकी अभी जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल एक मालगाड़ी जो है उससे संभावित तौर पे ये आपसी कोलैप्स हुआ है, उसके बाद में ये जो रेल की जो घटना है वो सामने निकल के आई है। फिलहाल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। गनीमत की बात अभी तक ये सामने निकल के आई है, किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी जो जनहानि है वो सामने निकल के नहीं है, क्योंकि देर रात का हादसा था, तमाम जो पैसेंजर्स थे वो गहरी नींद में थे, अचानक से ये जो मामला सामने आया वो घबरा के बाहर निकलने लगे। पूरे मामले में तकरीबन अब से करीब करीब 12 से ज्यादा ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको चोट आई है। देर रात करीब करीब 1 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है, और जो अजमेर का मुख्य जो जंक्शन है उसे तकरीबन 7 किलोमीटर आगे मदार जो जंक्शन है वहां के आसपास की घटना बताई जा रही है। हेल्प डेस्क के जो नंबर है वो भी जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरह की जो आशुतोष, इस पूरे मामले पर आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे फिलहाल।